एपिसोड की शुरुआत में हमें कोरिया दिखाया जाएगा। गाइस इससे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही नामी ग्रामी ड्रामा है वाई वोमेंस लव, जो कि रिसेंट हुआ है अभी के अभी। और मैंने आप लोगों को बिना देरी करे ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी हूँ। तो यहाँ हमें फीमेल लीड दिखाई देगी जो कि कंपनी में काम करती है लव नोट के, और यहाँ पे डेटिंग ऐप 3 मंथ्स का ऐसा बनाती है कि एक दूसरे के जो भी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो एक दूसरे में पागल हो जाए, लेकिन ये प्यार के मामले से बहुत दूर है जो कि हमारी जियांग है। ये समझ नहीं पाती कि वो कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगी। और उसका उसी दिन हैप्पी बर्थडे रहता है, तो वो खुद को कहती है हैप्पी बर्थडे टू मी। लव नोट को मैं कैसे डेट करूँ, क्या करूँ, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। वो उसका कहना है कि अगर वो 3 मंथ्स में कामयाब हो गया तो वो बहुत फेमस हो जाएगी और कंपनी भी साथ ही साथ, और सबको रिलैक्सफुल होगा, किसी का ब्रेकअप नहीं होगा, सब कुछ ये सारे लोग मैसेज पढ़ रहे होते हैं इस ऐप के बारे में। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे मेल हीरो के बारे में, जिसका नाम जूजियान है। वो एक रेसलिंग है और जो कि मस्त बाइक चला रहा होता है। यार हर लड़की उस पर फिदा हो जाएगी चाहे वो कोई भी हो। तभी वो लव नोट कंपनी के बाहर खड़ा होता है और अपना हेलमेट उतारता है, तो सच में माइंड ब्लोइंग, वो एक जीनियस रेसर है। लेकिन वो प्यार के मामले में पढ़ना नहीं चाहता है और वो वहाँ काम करने के सिलसिले में आया है। ऐसा क्यों है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो कहता है फिलहाल मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। तभी वो अंदर जाता है तो वहाँ एक असिस्टेंट मिलेगी। यहाँ पे भागम दौड़ी हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का आज डेट होता है। तभी एक लड़की उसको देख के फिदा हो जाती है, जिसका नाम जेंग होता है, वहाँ की वो असिस्टेंट होती है। वो हेलमेट अपना रखता है वहाँ पे और कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जियांग का कैबिन कौन है। कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप जियांग को ढूंढने आए हो? तो कहता हाँ प्लीज़ जल्दी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहती हाँ हाँ हाँ, आप उनके रूम में जाके वेट कर सकते हो। इधर ब्रॉडकास्टर का सब कुछ रेडी प्रिपेयर हो रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी जियांग नर्वस होती है कि पता नहीं वो क्या करेगी, नहीं करेगी, कैसे करेगी। उसकी असिस्टेंट किन होती है, कहती है मैम रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप तो मिस जियांग हो तो आप तो कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पे बोलती आई थिंक मैं सब कुछ अच्छा करूँ, उसे अच्छा ड्रेस पहनना है। और इधर एंट्री होती है कमाल की, ब्लैक ड्रेस में, जो कि बहुत ही हॉट लग रही होती है, और उसका नाम होता है क्वीन ऑफ लव। वो एंट्री लेती है, सारे लोग उसे देख के शॉक में चले जाते हैं कि क्वीन ऑफ लव क्या कर रही है, जो कि लव के बारे में उससे बहुत ज़्यादा जानकारी था। यहाँ पे बोलती है फाइनली तुम आ गई। वो ब्रॉडकास्टर की हेड भी होती है, कहती है मैं बहुत ज़्यादा टेंस ले रही थी। तो कहती है अरे बेबी चिल करो, टेंस लेने की क्या बात है, एक ब्रॉडकास्टर ही तो है, और वैसे तुमने आज कुछ तैयार नहीं हुआ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वहाँ जूनियांग को मैंने देखा। जूनियांग वो इंसान है जिससे कि वो पहले डेट क्या करती थी हमारी जियांग, लेकिन वो काफ़ी नर्वस हो जाती है उसका नाम लेते ही। कहती है तुम्हें अभी ही उसका नाम लेना था, तुम बाद में भी तो बोल सकती थी। कहती है वो इस कंट्री में फिर से वापस आ गया है, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से आया है। तो वो अपने केबिन जाती है और ये नहीं पता होता कि उस केबिन में गू भी होता है। तभी यहाँ पे वो अपने हेयर को ठीक करती है क्योंकि गू का एयरफोन नीचे गिर गया होता है, वो उसे उठा रहा होता है। यहाँ पर बोलती है मिस गू हाउ आर यू, कैसे हो? हाँ मुझे पता है हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्या फिर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं? वो अपने अपने बड़बड़ा रही होती है, हम मिरर में हंस रही होती है, जो कि बहुत फनी मोमेंट होता है। यहाँ पे बोलती है यू आर वेलकम टू चाइना। तो कहता है हे योर नेम इज़ यांग। इधर उसे याद आता है लिंक टेक्नोलॉजी हेड क्वार्टर्स लव नोट इज़ लॉन्चिंग सून, जैसा कि बताया जा रहा था, और कंपनी में उसे हैंड ओवर कर लिया जाता है, और यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहती है लिंगुई, ये नाम मैंने सुना लग रहा है, क्योंकि लिंगुई कौन थी ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। यहाँ पे बोलती है जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे केबिन में, तुम्हें किसने बुलाया अंदर आने के लिए? कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारी हॉबी के बारे में, और अभी जितनी तुम बकबक कर रही थी इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा कोई तो एक्स बॉयफ्रेंड है। वैसे मैं इन सब मामलों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ, जैसा कि तुम दूर हो फिलहाल।
तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी वो उसके जस्ट को टच करती है, जो कि बहुत फनी मोमेंट होता है। यहाँ पे बोलता है क्या कर रही हो तुम, हाँ तुम्हें मैंने ये ला के दिया है, ये देखो तुम्हारा काम मेरे चिस्क को छूने का नहीं है। वैसे मैं सिंगल हूँ लेकिन हाँ बहुत खुश हूँ। इधर देखने को मिलेगा स्टार्ट हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग, और यहाँ पे बोलती है हैव ए नाइस डे फॉर ऑल योर। तो चलिए आज यहाँ पे लव नोट के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हमारी काम कर रही है जियांग, जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन्होंने किया है, और हर लवर्स को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा फिर से प्यार करने का एक बार। यहाँ पे ये सब चीज़ गुरु ज्यांग सुन रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो प्यार के मामले में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता है। तभी सडनली वहाँ ब्रॉडकास्टर में लाइट ऑफ हो जाती है। यहाँ पे वो चिल्लाती है गुरु ज्यांग पे कि क्या कर रहे हो तुम। कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कैसे ये तार हट गया। तभी यहाँ पे उसे वो केबिन में अपने लेके आती है, और यहाँ पे वो भी उसके पीछे पीछे आता है। कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब मामले में मत पड़ो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। यहाँ पे सारे असिस्टेंट देख रहे होते क्या वो डील करेगा। यहाँ पे बोलता है जू ज्यान आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि ये मेरी फॉल्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ काम करूँ, अपना हार्ड वर्क दूँ, प्लीज़ एक बार मेरे हेल्प कर दो, मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है। इधर वो कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पे जू न्यांग का मैसेज देखती है, उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। ये देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी उसकी मेमोरी में जो चीज़ें थी उसकी पिक्स याद आ जाती है, वो उसे देखती है, कहती है हैप्पी न्यू ईयर टू, काश कि तुम यहाँ होते। और यहाँ पे वेट कर रहा होता है वू ज्यान, और इधर रात हो चुकी होती है, और यहाँ पे काफ़ी डर जाती है जियांग। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो इधर उधर देखती है क्योंकि वो हार्डवर्क दे रही थी तो वो वहीं थी। वो जाती है बाहर अपने केबिन के कि शायद कोई है या नहीं। तभी कोई भूत का कपड़ा पहने उसके पास आ रहा होता है, जिसे देखे वो काफ़ी डर जाती है। वो उसे बहुत 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 ज़्यादा पीटती है, कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, लेकिन तभी वो गिर जाती है और सडनली लिप टू लिप किस हो जाती है, जो कि फर्स्ट किस होती है इन दोनों के बीच में, जो कि हेट करते हैं लव से वो था। और यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। उसका कान पकड़ती है, कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ना, पर प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ। यहाँ पे कहती है मिस जीन जानते हैं कि तुम अच्छा काम नहीं करोगे, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहती हूँ, और कल सुबह तक ये सब काम साफ़ हो जाना चाहिए, तब मैं सोचूंगी कि तुम्हें अपने कंपनी में रखना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये कंपनी होती है गु ज्यांग की, उसकी माँ की, और उन्होंने ही भेजा होता है ज्यांग के पास ताकि उसका असिस्टेंट बन के वो कुछ सीखे, वो कंपनी उसके नाम हो जाए।